हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही है आज वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है जो कि 50,000 होने वाली है उसमें से एक प्यारी सी सब्सक्राइबर को कल बेबी बॉय हुआ उनका आज मेरे पास मॉर्निंग में मैसेज आया और देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप सबके जब कमेंट आते कि मैम मेरे बेबी बॉय हुआ है या मेरी बेबी गर्ल हुई है तो बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे अपना समझते हो अपनी फैमिली समझते हो भी आप अपनी हर चीजें से शेयर करते हो तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपके बच्चे की और आपकी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत सारी दिल से अच्छे अच्छे दुआएं और आप सब भी उनको बहुत सारा प्यार दीजिए उनके बच्चे के लिए और उनकी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत सारी उन्हें शुभकामनाएं दीजिए तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मेरे चैनल पे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड बेबी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिलती रहती है तो देखिए जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है बहुत ज़्यादा खुशी की बात पूरा माहौल जो होता है खुशी में क्रिएट हो जाता है है ना क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी न्यूज़ होती है जो कि फर्स्ट टाइम जब मिलती है ना तो अलग ही उसका एक अंदाज होता है और अलग ही उसकी फीलिंग होती है तो आपकी अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी हो सेकेंड प्रेगनेंसी हो कोई भी प्रेगनेंसी बच्चा तो माँ बाप के लिए अनमोल ही होता है लेकिन ऐसी कुछ बातें होती हैं कि जैसे प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड बढ़ता है मन की क्योसिटी बढ़ती है कि मेरे क्या होगा बेबी बॉय होगा बेबी गर्ल होगी कब होगा नॉर्मल होगा सीजेरियन होगा बहुत सारी टेंशन खासकर जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है वो कुछ ज्यादा ही टेंस हो जाती हैं बट टेंशन नहीं लेनी है प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज्यादा अच्छी जर्नी होती है जिसे हमें इन्जॉयली इंजॉय enjoy करना चाहिए बजाय कि हम कोई टेंशन लें कोई चीज सोचें बट फिर भी जैसे प्रेगनेंसी का टाइम पास आता है खासकर डिलीवरी का जब टाइम पास आता है तो मन में क्योरसिटी रहती है सबके हस्बैंड के, के वाइफ के मम्मी के पाप सबके घर में जो भी होता है ना सबको यही रहता है कि क्या होगा बेबी गर्ल या बेबी बॉय कोई भी इसका गलत रीज़न नहीं होता सबका अपना अपना धारणा होती है कि हमें कुछ थोड़ा सा क्लू मिल जाए उसी के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग कपड़े ले लेंगे उसी के अकॉर्डिंग रूम डेकोरेट करा लेंगे आजकल कर तो बहुत सारी तैयारियां होती है है ना तो इस करके जो आज मैं आपके साथ सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ प्रेगनेंसी में जो बहुत ही ज़्यादा खास लक्षण होते हैं बेबी बॉय के आज वो मैं शेयर करूंगी और ये जो लक्षण मैं शेयर कर रही हूँ ना मेरे साथ ये बिल्कुल सटीक थे और कई ऐसी सब्सक्राइबर हैं जिनको बेबी बॉय हो चुका है मुझे कमेंट करती

जज करते थे कि बेटी के लड़का होगा या लड़की होगी क्योंकि पहले के टाइम पे स्कैन अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे सिर्फ बहू बेटी के खाने पीने के तरीके उठने बैठने के तरीकों को ही दे के अंदाजा लगाया जाता था तो देखिए मैं आपको एक जो सिम्टम बता रही हूँ स्टार्टिंग में अगर आपको देखने को मिलता है प्रेगनेंसी का पहला तिमाही यानी कि एक दो तीन पहले दूसरे तीसरे महीने में ये सिम्टम आपको नजर आएगा प्रेग्नेंसी जर्नी जैसे ही स्टार्ट होती है वामिटिंग नोजिया की प्रॉब्लम मोस्टली महिलाओं को 80 परसेंट होती ही होती है 20 परसेंट महिलाएँ ऐसी होती हैं जिन्हें वॉमिटिंग नोजिया नहीं होता बाकी एट्टी महिलाओं को उल्टी बहुत ज़्यादा चक्कर आना मॉर्निंग सिकनेस होना ये चीज़ दिखती है प्रेग्नेंसी में तो ये प्रेगनेंसी का ही साइन होता है लेकिन अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी जब आपको कंसीव होती है या सेकेंड कंसीव होती है और जब अपना टेस्ट करते हो किट में यानी कि जब आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और उस टाइम पे जब किट में आप देखते हो और उस टाइम पे जो लाइन आती है ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है अगर वो लाइन हल्की होती है बहुत पिंक कलर की होती है तो लड़की होने के चांसेस होते हैं अगर वो लाइन डार्क होती है और बहुत ज़्यादा वो डार्क सीधी दिखती है तो बोलते हैं लड़का होने के चांसेज होते हैं बट ये डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी को कितने दिन हुए हैं जितनी आप लेट चेक करते हो उतनी ही ज़्यादा वो डार्क लाइन होती है जितनी जल्दी चेक करते हो उतनी थोड़ी लाइट होती है बाकी सबका अलग अलग प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं बट ये सिम्टम बहुत सारी महिलाओं के केस में सटीक हुआ है तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं तो स्टार्टिंग में अगर आपकी लाइन बहुत ज्यादा डार्क है तो कहा जाता है कि आपको लड़का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं दूसरे सिम्टम की बात करें प्रेगनेंसी के पांचवें छठे महीने में अगर बच्चे की मूवमेंट आपको आती है तो बोला जाता है लड़का होने के चांसेज होते हैं वहीं अगर आपको मूवमेंट चौथे महीने से आना शुरू हुई है तो आपको लड़की होने के चांसेज ज्यादा होते हैं ऐसा बोला जाता है लड़कों के कंपेरिजन लड़कियां बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं इस करके वो जल्दी मूवमेंट करती हैं और लड़के थोड़े से लेजी होते हैं इस करके थोड़ा सा लेट मूवमेंट करते हैं तो ये जो लक्षण है ये लक्षण भी बहुत सारे महिलाओं के केस में सटीक हुआ है इवन मेरे केस में भी सटीक हुआ है तो इस लक्षण को भी मैं अपने केस में एकदम मैच मानती हूं थर्ड सिम्टम की बात करते हैं प्रेगनेंसी जैसे ही स्टार्ट होती है जर्नी आप बहुत ज़्यादा जैसे शॉपिंग करने जा रहे हो या कोई सब्जी लेने जा रहे हो आपको जो भी चीज़ अच्छी लग रही है पसंद लग रही है वो अगर बॉयज से रिलेटेड होती है तो बोलते हैं लड़का होने के चांसेस होते हैं अगर वो गर्ल से रिलेटेड होती है तो बोलते हैं लड़की होने के चांसेज होते हैं अब आप सोचो कि कैसे जैसे मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए आपको कपड़ों में बॉयज़ के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मन करता है कि ये कपड़े ले लें तो बोलते हैं लड़का होने के चांसेज़ होते हैं वहीं अगर लड़कियों के कपड़े ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं लड़कियों कपड़े लेने में आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और पसंद आते हैं तो बोलते हैं लड़की होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसा कहा जाता है भगवान संकेत दे देता है कि लड़की होने वाला है या लड़का तो मनपसंद जो चीजें होती हैं उसी तरीके से पसंद करने लग जाती हैं अब बात करते हैं सपनों की अब सपनों को लेकर बहुत सारी महिलाएं मुझे बोलती हैं कि मैंने प्रेगनेंसी में हमने आम देखा केला देखा सेब देखा तो क्या होगा तो ऐसा बड़े बुजुर्गों का कहना है अगर जब आपका प्रेगनेंसी का आठवां या नौवा महीना स्टार्ट हो रहा हो और उस टाइम पर सपने आपको फलों के आते हैं जैसे आम केला संतरा सेब अनार ये चीज़ें आप देख रहे हो तो बोला जाता है आपको लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहीं अगर आप सब्जियों के सपने देखते हो जैसे घिया तोरी मूली भिंडी ये चीजें देखते हो तो बोला जाता है आपको लड़की होने के चांसेस होते हैं लड़कियों के टाइम पे आपको सब्जियाँ सपनों में दिखेंगी लड़कों के टाइम पे फल सपनों में दिखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि ये चीजें दर्शाती हैं कि आपके घर में बेबी बॉय आने वाला है या बेबी गर्ल आने वाली है तो ये लक्षण आपके केस में कितना सटीक है ये तो आपको आफ्टर डिलीवरी पता लगेगा क्योंकि ये सिर्फ एक अनुमान के आधार पर वीडियो है तो वीडियो को इन्जॉयली लीजिएगा मेरा चैनल देख के लिंक में भेदभाव नहीं करता ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि दोनों प्रेगनेंसी में, में मेरे साथ सेम थे अब इसके बाद बात करते हैं प्रेगनेंसी का नौवा महीना इस टाइम पर अगर फूड क्रेविंग आपकी बहुत ज़्यादा मीठे को लेकर है या बहुत ज़्यादा तीखे को लेकर है और स्टार्टिंग से मीठे पर ही आपकी क्रेविंग बदली नहीं तो बोला जाता है आपको लड़की होने के चांसेस होते हैं वहीं अगर आपकी स्टार्टिंग से क्रेविंग तीखे की है बहुत ज्यादा स्पाइसी की है तो बोला जाता है लड़का होने के चांसेस होते हैं बट कई केस में ऐसा भी देखा गया है स्टार्टिंग से लेके चाहे आपकी मीठे की या तीखे की जो भी क्रेविंग रही हो लेकिन टिल जैसे ही आपका आठवां या नवां महीना शुरू हुआ हो एकदम से क्रेविंग चेंज हो गई हो जैसे पहले आप मीठा खाते थे अब तीखा खाने लगे हो या पहले तीखा खाते थे अब एंड में आप मीठा खाने लगे हो एकदम से क्रेविंग चेंज होना ये एक लड़का होने की निशानी मानी जाती है इसके साथ साथ बालों की ग्रोथ बाल जो कहते हैं कि जो बेबी बॉय होते हैं उनके देखिए बॉडी के ऊपर लड़कियों के कंपैरिजन बहुत ज्यादा हेयर होते हैं जैसे हाथ पैरों में बाल पीठ कमर पे बाल तो ऐसा बोला जाता है अगर आपको बहुत ज्यादा बालों की ग्रोथ आपके हाथ पैर के बाल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं सर के बाल बहुत ज्यादा लंबे हो रहे हैं भारी हो रहे हैं तो बोला जाता है आपके घर में पल रही संतान एक बेबी बॉय है वहीं अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं टूट रहे हैं बेजान हो रहे हैं तो बोला जाता है कि आपको लड़की होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि बॉडी ना उसी तरीके से हार्मोन रिलीज़ करने लग जाती है अगर आपके पेट में बेबी बॉय है तो बेबी बॉय वाले हार्मोन रिलीज कर लेगी बेबी गर्ल है तो बेबी गर्ल वाले बाकी तो देखिए ये जो अनुमान के आधार पर सिम्टम होते हैं कई बार मैच हो जाते हैं कई बार मैच नहीं भी होते हैं तो वीडियो को सिर्फ इंजुअली लीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ आपके मन की क्योसिटी को कम करना है और आज जिस सब्सक्राइबर के बेबी बॉय हुआ है उनको दिल से बधाई दिल से शुभकामनाएं बस अपने बच्चे का ध्यान रखो और उसकी फ्यूचर का अच्छे से संस्कार दो ताकि बच्चा जो दुनिया में आया है, उसकी अच्छी और हेल्दी लाइफ हो तो आज की वीडियो में सिर्फ ये जो मैंने पांच सिम्टम शेयर किए हैं ये सिम्टम मेरे केस में सटीक था और कई सब्सक्राइबर के केस में भी सटीक था मे बी आपके केस में भी हो तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके आगे गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करिएगा मिलती हूं किसी नए टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ अब तक अपना ध्यान रखिए बा बाय टेक केयर